हेलो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा जीके सिंह एरा मैंडनेट के ऊपर आप कैसे टास्क कर सकते हो ब्रिज कैसे करना है स्वैप लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करना है ये सब मैं आज आपको बताऊंगा जैसे कि यहाँ पे मैंने एक दिन पहले शेयर किया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर मैं बता ब, अपना बनाने वाला वीडियो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने पहले जी सिंह पर डाला था जो जी अभी मैंने जो वीडियो डाला था जी सिंह लाइट उसके बाद जो आज का ये वीडियो है जी के सिंह एरा के ऊपर है तो उसमें आप कैसे टास्क कर सकते हो यहाँ पे मैंने मिरर मिरर का लिंक दिया है तो उसे उपन उपन आप उसे ओपन करना ओपन करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अब अब से जो भी मैं पोस्ट डालूंगा वो मिरर पर डालूंगा यहाँ पर आपको कलेक्ट करना रहेगा तो आप कलेक्ट कर सकते हो तो इसके बाद यहाँ पर जो अपना टास्क है पूरा यहाँ पर देख सकते हो जी सिंह एरा मैंडेट के ऊपर मैंने पूरा एक पोस्ट बनाया है कि आप कैसे टास्क कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है यहाँ पे आपको सबसे पहला क्या करना है ईथ मैननेट से आपको जी के सिंह एरा मैननेट पर आपको अपना ईथ ब्रिज करना है तो ब्रिज के लिए आप यहाँ पे ऑफिशियल ब्रिज पे आ जाना मेटामास कनेक्ट करना और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे इथेरियम मैनट में जितना आपका ईथ रहेगा डालने के लिए आप डाल के जी के सिंह एरा मैननेट पर आप डिपोज़िट कर सकते हो तो यहाँ पर आप डिपोज़िट करना और इसके बाद आपके मेटामास में आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट करके रखा है देख सकते हो यहाँ पे फिफ्टी डॉलर तक है तो ये जो फिफ्टी डॉलर है इसी से मैं भी आज का पूरा टास्क कंप्लीट करूँगा लेकिन आप कम से कम हंड्रेड प्लस करना डिपॉजिट क्योंकि मैंने हंड्रेड के ऊपर ही किया था तो मैंने टास्क करते करते सब मेरा हो चुका है जो सेकेंड लिंक है अपना ऑर्बिटर फाइनेंस इसका भी टोकन आ सकता है तो आप ए भी ब्रिज यूज़ कर लेना इथेरियम से जी के सिंह एरा पे आ, मतलब ब्रिज करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना और यहाँ पे क्या है कि जितना अमाउंट डालना जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव मिनिमम है और आप डालने के बाद सेंड पे क्लिक करो मेटामास में एक अप्रूव का आएगा कन्फर्म एंड सेंड करो फिर इसमें कुछ कुछ भी नहीं करना है खाली इसमें पर कन्फर्म करो फिर यहाँ पे देख सकते हो फीस आपका जीरो लग रहा है तो आप इसे कन्फर्म करो कन्फर्म करने के बाद आपका ये जो ब्रिज है इसमें आपका कुछ नहीं तो आराम से दस से पंद्रह मिनट लगेगा फिर उसके बाद जो थर्ड है राइनो वाला वो आप यूज़ कर सकते हो कम से कम आप उस पर मिनिमम फिफ्टी डॉलर के ऊपर ब्रिज करना और फिर जो अभी चलते हैं अपने स्टेप टू पे स्टेप टू पर आपने क्या करना है आप किसी के सिंक के एरा मैंडट पे इथेरियम आ जाना चाहिए तब जाके आपको स्वैप करना है जैसे यहाँ पे मेरे में पहले से फिफ्टी डॉलर है तो मैं सीधा जो डैक्स है उस पर सबसे पहला डैक्स है जो अपना सिंक स्वैप मैं उस पर स्वैप करूँगा तो आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर लेना एरा मैंडेट से और उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड पर आके इथेरियम का फिफ्टी परसेंट या फिर जो भी रहेगा आप यहाँ पे कंफर्म करना ट्रेड में फिर आपका यहाँ पे स्वैप हो जाएगा स्वैप होने के बाद आपको कुछ फीस रिफंड आएगा अभी सिंग स्वेप का भी चल रहा है मतलब ऐसा सेवेंटी से एट्टी परसेंट जो फीस है आपका रिफ़ंड आ जाएगा फिर पूल में आके यहाँ पे न्यू पूल में आना फिर एंटर पूल करना फिर यहाँ पे देख सकते हो पूल में क्या चल रहा है फिर माई पोजिशन पर आके डिपॉजिट ना हो यहाँ पर आप कुछ डॉलर जो आपने स्वेप किया है उसे आप यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दो जैसे वन डॉलर मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं फिर कन्फर्म फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं फिर आपको यहाँ पे आना है कहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे डिपॉजिट में देख सकते हो टू डॉलर यहाँ पे आपका दिख रहा है वैल्यू तो ऐसे करके आप यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए फिर यहाँ पे आपको विड्रॉ पे आना है पहले आप हाफ़ रिमूव करो फिफ्टी परसेंट फिर इसे कंफर्म करते हैं सक्सेस होने के बाद हमें इसे क्लोज करना है और फिर यहाँ पर हम इसे मैक्स करके विड्रॉ कर लेंगे पूरा लिक्विडिटी फिर इसे कन्फर्म कर देते हैं मेटामास्क में तो इसे करके हमारा ये सिम स्वैप का पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है जिससे हमने यहाँ पे स्वैप किया आपको कम से कम हर एक जो है डेस्क उस पर आप टेन से ट्वेंटी ट्रांजेक्शन तो करते रहो डेली करना है फिर उसके बाद आपको आना है स्पेस फाइव पर पे। स्पेस फाइव पे क्या चल रहा है कि अभी थोड़ा फीस का जो है थोड़ा मतलब ज़्यादा हाई है तो उसके बाद आपका जो है म्यूट है म्यूट वाला है तीन डेस्क है आप तीनों पर स्वैप कर सकते हो और तीनों पर सेम काम करना है स्वैप करना है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है म्यूट पे क्या है जो आपका चार्ज जो है टेन परसेंट आपका स्वैप का फीस लगेगा जैसे आप कुछ भी स्वैप करोगे अगर हंड्रेड से हंड्रेड में तो आपका नाइन्टी नाइन या फिर नाइन्टी एट ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे आना है आपको डाओ में आप डाव में आके चेक कर लेना यहाँ पे डाओ में आप म्यूट है म्यूट पर आके आपको म्यूट डिपोजिट करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए इथेरियम से आप म्यूट में कन्वर्ट कर लेना कुछ इथेरियम और फिर वहाँ पर आप डिपोज़िट कर देना सेम टास्क वही है यहाँ पे भी वही करना है स्वैप करना है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है जैसे मैंने स्पेस मतलब क्या बोलते हैं सिम से सेप पे बताया वैसे आपको म्यूट पे भी करना है और स्पेस स्पेसफाई पे भी वही करना है यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं यहाँ पे देख सकते हो तो फीस अभी बहुत ज़्यादा हाई दिखा रहा है यहाँ पे पता नहीं क्यों तो मैं इसे बाद में करूँगा तो ऐसे करके आपको तीनों डेस्क यूज़ करना है और जैसे आपका डेस्क हो जाएगा आप फिर नीचे आओगे देख सकते हो एन एफ टी मार्केट प्लेस है आपको वहाँ पर आपको एक एन एफ टी मिंट करना है तो यहाँ पे आपको आना है अपना वॉलेट कनेक्ट करना है यहाँ पे कंफर्म करते हैं फिर यहाँ पे देख सकते हो नीचे मिंट लिखा है मिंट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप कोई भी फोटो अपलोड कर दो जैसे मैं एक अपलोड कर देता हूँ फिर यहाँ पे इसका कोई भी नाम डाल दो डेमो या फिर जैसे मैं यहाँ पे जी के सिंह एरा लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दो जैसे डेमो लिख दिया फिर यहाँ पर एक लिंक डाल दो जैसे मैं इसका ये वाला लिंक कॉपी करके यहाँ पर पे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर आपको की में कुछ भी लिखना है और यहाँ पे वैल्यू कुछ भी दे दो खाली एक एन एफ टी मिंट करके रख रख लो ये खाली जैसे यहाँ पे लोगो दे देता हूँ और यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे इसे मिंट करो मेटामस में पॉपअप आएगा इसे कंफर्म करते हैं कंफर्म करने के बाद देख सकते हो थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे आपका मिंट होने के बाद आपका गो टू प्रोफाइल आएगा आप देख सकते हो यहाँ पे एन मेरी मिंट हो चुकी है मैंने पहले भी किया था और यहाँ पर जो डोमेन है वो भी आप मिन्ट कर सकते हो लेकिन अभी शायद डोमेन का थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा पहले भी चलते हैं हम नीचे चलते हैं यहाँ पे अभी मेन पॉइंट क्या अपना जो सिंक स्वैप है आप उस पर आपको सेवेंटी परसेंट गैस रिफंड मिल रहा है तो आप अगर हंड्रेड डॉलर से हंड्रेड ट्रांजेसन करते हो तो आपका टेन के तो नहीं होगा वो वॉलूम आपका एट के ईजिली हो जाएगा और आपका फ़ीस फोर्टी डॉलर तक लगेगा तो अगर आप फोर्टी डॉलर का रिस्क लेके कर सौ ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका अच्छा खासा वॉलूम जनरेट हो जाएगा सौ डॉलर से तो सीम से आप पे भी कर सकते हो कुछ ट्रांजेक्शन कुछ म्यूट पे करो और कुछ स्पेसफाई पे करो ऐसे करके आपको ये तीनों डेस्क यूज़ करना है और ब्रिज ब्रिज भी कर लेना है तो ऐसे करके आपको ये सब करना है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो डोमेन वाला है अभी डोमेन का शायद वेबसाइट अभी खुल नहीं रहा है तो हम इसे अभी बाद में करेंगे मैंने यहाँ पर लिंक अपने ग्रुप में डाल के रखा है अब जॉइंट कर लेना ग्रुप में यहाँ पर मैं फिर से पूरा बता दे रहा हूँ आपको ब्रिज करना है फिर यहाँ पर ऑर्बिटल फाइनेंस का ब्रिज है फिर यहाँ पे राइनो से भी आप ब्रिज कर सकते हो जितना है जितना है कि आप मेन से ऑफिशियल ब्रिज करो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऑर्बिटल का आने में देखो अभी तक टाइम लग रहा है और फिर उसके बाद आपको स्विंग स्वैप यूज़ करना है स्विंग सेप पर क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हो पूल है स्वैप करना है लिक्विडिटी रिमूव करना है ऐड करना है सेम टास्क करना है फिर एन एफ टी मार्केट प्लेस पर आपको एन एफ टी मट करना है तो ऐसे करके आपका सब टास्क हो जाएगा फिर मैं आपको एक बार स्कैन पर दिखा देता हूँ जैसे ब्लॉकचेन चेंज रखना यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपना एक मिनट यहाँ पे हंड्रेड ट्रांजेक्शन करके रख लिया है हंड्रेड ट्रांसेंट करने में मैं कुछ मेरा फोर्टी डॉलर तक गया था तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ और जो भी फीस का जो रिफंड चल रहा है इसकी वजह से कम फीस लगा तो ऐसे करके आप पूरा टास्क कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो एक मिनट एक मिनट यहाँ पे जो मैं बताया हूँ पहले का जो वीडियो था ये जीके सिंह का वो लाइट वाला था और जो आज का वीडियो है अपना जीके सिंह एरा के ऊपर है तो दोनों में कन्फ्यूज मत होना दोनों टास्क अभी भी लाइव है तो आप दोनों कर सकते हो गाइस यही था आज का वीडियो